उधर अलवर के सरिस्का के जंगलों में आग लग गई और लगातार ये बेकाबू होती जा रही है। आपको बता दें कि आग जिस तरीके से बढ़ रही है उससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स मंगाए गए हैं। 2 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर सरिस्का पहुंचे हैं, वहीं से पानी भरकर आग बुझाने का वो काम करेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग से डिमांड की गई थी। पृथ्वीपुरा और आसपास के गांवों को खाली कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं आशंका है कि वन्य जीव जान बचाने के लिए रिहायशी क्षेत्र में आ सकते हैं। तो पृथ्वीपुरा और आसपास के जो गांव हैं वहां पर लगातार आग फैल रही है। अलवर से यह खबर, जहां पर सरिस्का में जो आग है वो बेकाबू हो गई है और कितने एरिया में इस वक्त आग फैल चुकी है उसकी ये तस्वीरें। लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास जो हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं और सेना की मदद जो है वो आग बुझाने के लिए ली गई है। 2 हेलीकॉप्टर्स को फिलहाल आग बुझाने में लगाया गया है। आसपास के गांव को भी वहां से खाली करवा लिया गया है। लगातार कोशिशें की गई लेकिन इसके बावजूद भी आग फैलती जा रही है। जुगल जीमीडिया संवाददाता और दीपक हमारे साथ इस खबर पर जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले जुगल आपके पास आ रहा हूं, क्या स्थिति है फिलहाल? चलिए दीपक के पास यहां पर चलेंगे, फिलहाल जुगल से संपर्क यहां पर करेंगे। दीपक, क्या कुछ जानकारी है अभी, किस तरीके से ये पूरी आग फैली और क्या कुछ जो है इनिशिएटिव अभी लिए जा रहे हैं आग बुझाने के लिए? देखिए, सरिस्का बाग जो परियोजना है उसमें अकबरपुर रेंज के जो बालेटा और पृथ्वीपुरा नाका है उसके आसपास क्षेत्रों में सूखी घास और पौधों में अज्ञात कारणों से जो आग लगी थी वो बेकाबू हो गई है। और जंगल में इस आग को नियंत्रण से बाहर होने के बाद जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग से सैन्य सहयोग एरिया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और हेलीकॉप्टर से प्रेशर से पानी के बौछार किए जाने की सहयोग मांगा था। आपदा प्रबंधन से मिली डिमांड के बाद 2 वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो सरिस्का के जंगलों में पहुंच गए हैं। वहीं से सिली सेट से वो पानी भरेंगे और प्रेशर से ऊपर से ही वो बौछार करेंगे जिससे जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर आबादी है उसको अब खाली कराया जा रहा है। और बता दें कि जिस तरीके से रविवार को इस अकबरपुर रेंज के बालेटा पृथ्वीपुरा नाका के आसपास जो आग लगी थी और आज मंगलवार का दिन हो चुका है, यानी कि अभी तक ये जो आग है बेकाबू अब होती जा रही है। इस क्षेत्र में आग लगने से वन एवं वनस्पति छोटी जो झाड़ियां हैं, बांस है या अलग अलग जो प्रजातियां हैं के साथ जो वन्य जीव हैं उसके आवास को यहाँ पर क्षति पहुंच सकती है। और इस जो आग का जो एरिया है इसमें जंगल बागिन ST-70 और उसके पिछले दिनों जन्मे 2 शावों को का भी विचरण इस इलाके के अंदर रहता है। इसलिए जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनके हाथ पैर फूले हुए हैं और आग बुझाने के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो सरिस्का के जंगलों में पहुंच चुका है। आपदा प्रबंधन से 2 हेलीकॉप्टरों की डिमांड की गई थी और एयरफोर्स से 2 हेलीकॉप्टर है अब सरिस्का के जंगलों में पहुंच चुके हैं। और जो आग है उस पर एयर प्रेशर से कह सकते हैं कि हवा से बोछा सिलीसेट से पानी लेकर और वो इस जो क्षेत्र है जहां पर जंगलों में आग लगी है वहां बोछार करेंगे और आग पर काबू पाने का यहां प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए, गर्मियों का सीजन शुरू होने के साथ ही हमने पिछले दिनों भी दिखाया है कि किस तरीके से आग है अपना विकराल रूप धारण। बिल्कुल, लगातार जो घटनाएं वो सामने आ रही है, हमने तस्वीरें दिखाई है प्रदेश के अलग अलग जगहों से जिस तरीके से हादसे देखने को मिल रहे हैं आग के। और फिलहाल ये आग कहीं ना कहीं चिंता का विषय यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ जुगल भी जुड़ गए हैं, उनके पास फिलहाल चलेंगे। जुगल, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आग जिस तरीके से रविवार रात को लगी थी उसके बाद हालांकि एक बार तो वन प्रशासन ने आग पर काबू पा लिया था लेकिन गर्मी की वजह से फिर एक बार आग भड़क गई थी और आग अब विकराल रूप का धारण कर चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में यह आग फैली हुई है जिसको आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। जहां तक वन विभाग टीम ने सेना से भी मदद मांगी है और 2 हेलीकॉप्टर यहाँ की जो लेक झील है सिलीसेड से पानी लेकर वो लगातार चक्कर काट रहे हैं और आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। लगभग इस काम में 2 दिनों से 200 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 100 एकड़ एरिया में वन संपदा को लगभग नुकसान पहुंचने का अनुमान है अभी तक। अब जो वहां पर बाकी जानवरों के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी आबादी क्षेत्र का रुख कर सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति बनती हुई दिखती है जुगल?
देखिए सुमित, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जहां जिस क्षेत्र में अकबरपुर रेंज जो चौकी है उस क्षेत्र में जहां आग लगी है, उस एरिया में जो ST-17 है, ST-20 है, ST-14 है, इन बाघों का उधर ही विचरण अक्सर देखा गया है। अभी 26 तारीख को भी ST-17 के वहां पर पगमार्क मिले थे और यहां टूरिस्ट की साइट में भी उसको देखा गया था और उसके साथ दो शावक थे। ऐसी स्थिति में वो एरिया है जहां आग लगी है, वहां वन्य जीव बाघ और शावकों के साथ अन्य वन्य जीव भी है। इस तरीके से ऐसा अंदेशा भी है कि वन्य जीवों को नुकसान तो हो ही सकता है और अपनी जान बचाने के लिए वो रिहायशी इलाके में भी आ सकते हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर आग को देखते हुए भी और इन सभी किसी भी तरह की अप्रिय घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने आसपास लगने वाले 4 गांवों को खाली करने के प्रयास भी शुरू कर दिए। तुम्हें चलिए बहुत शुक्रिया जुगल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू यहां पर पाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन लौट